रेलवे में यात्रा के दौरान ट्रेन की गति धीमी होने पर ट्रेनों के डिब्बे में लगे दरवाजे के पास खड़े होकर मोबाइल से बात कर रहे यात्रियों को डंडा मारकर तथा उसके बाद पत्थरबाजी करके मोबाइल व पर्स लूटने वाले गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को जीआरपी गोरखपुर की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने लगभग 1 लाख रुपये कीमत के 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में ऋषिकेश प्रजापति, हनुमान मंदिर थाना शाहपुर गोरखपुर, प्रिंस उर्फ मोनू कुमार देवरिया, संदीप सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह कुशीनगर, शशि रंजन तिवारी उर्फ परमहंस बेवाल जिला सीवान बिहार, चंद्रेश यादव उर्फ कल्लू जिला छपरा बिहार, विकास सिंह सेंथवार अहिरौली जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ जीआरपी उमाशंकर ने बताया। बोलने के लिए नहीं सर अपने पत्रकार के ऊपर भी हुई है। विगत कुछ दिनों में गोरखपुर तथा इसके आसपास के स्टेशनों पर मोबाइल चोरी, पर्स चोरी इत्यादि की घटनाएं बढ़ गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर द्वारा टीमें गठित की गई थी। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काफ़ी दिन से टीमें ये प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में आज ऋषिकेश प्रजापति, प्रिंस, संदीप सिंह, शशि रंजन तिवारी, चंद्रेश यादव और विकास सिंह मिले। ये चलती ट्रेनों में मोबाइल इत्यादि की चोरी करते हैं तथा दहशत फैलाने के लिए कभी कभी पथराव भी इन्होंने ट्रेनों पे किया है, ये बात इन्होंने स्वीकार किया है। ये गोरखपुर के प्लेटफार्म नंबर 1 पर गिरफ्तारी हुई। बरामदगी में 14 अदद मोबाइल, 500 रुपये नकद बरामद। ये चलती ट्रेनों पर भी पथराव करते हैं और ये दहशत पैदा करने के लिए क्राइम के अलावा ये दहशत भी पैदा करते थे यात्रियों में, पुलिस पे वो पथराव करते हैं, ये बात इन्होंने स्वीकार किया। स्टेशन भी बनाते थे क्रॉसिंग या इस तरह और आसपास रनिंग ट्रेनों में भी इन्होंने पथराव किया है, ये बात इन्होंने स्वीकार किया है। लूट की तो बात नहीं, इसमें स्टेशनों पर ये सक्रिय रहते थे और मोबाइल पर्स छोटी मोटी चोरी, हाँ उसी उस क्रम में भी टीम वहाँ पे लगाई गई थी तो उसमें भी इन्हीं की संलिप्तता पाई गई। यही है क्योंकि ये तो ये सब रहने वाले भिन्न भिन्न जगहों के हैं, इसका डिटेल हम आपको दे दे रहे हैं।